हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, आप लोग अभी कुछ देर पहले से मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस कर रहे थे। अभी मैंने जब चेक किया तो इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पर भी और ईमेल भी किया था आप लोगों ने। तो हुआ ये था, 1 घंटे 1-1.5 घंटे पहले, जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ, हुआ ये था कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी जो अभी ओपन कर रखा है मैंने इंडियन नेवी की, www.joinindiannavy.com, ये बिजी हो गई थी, यानी कि वेबसाइट खुल नहीं रही थी और मे बी टेम्पररली जो एक्सेसिबल नहीं थी और कुछ और दिखा रहा होगा, मुझे ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है। लेकिन जो आप लोगों ने बताया, जो कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज करके बताया, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो वेबसाइट बिजी थी और इस तरह से आप लोगों को तो लगा गाइस, कि आज आज है ही मैं 19 तारीख और ऑफिशियल रिजल्ट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 मार्च अपडेट किया गया था। हाँ, मुझे पता है एक्साइटमेंट है, वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और रिजल्ट में भी काफ़ी देरी हो चुकी है। जो रिजल्ट 20-25 दिनों में आ जाता है उसमें लगभग लगभग 40 दिन से ऊपर हो गया और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो वो चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रही हैं और आप लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए, जल्दी से पता चल सके, ताकि उसके बाद आगे क्या करना है ये आपके सामने, ये रास्ता खुल जाए, ये रास्ता आपको पता चल सके और आप लोग बिल्कुल क्लियर रहें फ्यूचर के लिए। ये अच्छी चीज़ है और मैं भी ये चीज़ सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ के लिए आप लोगों को। लेकिन गाइज, अब आप लोगों को 1 दिन का वेट करना है, यानी आज तो किसी भी कीमत पे रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, जो यहाँ पे अपडेट किया गया था वो सेम ही है, दिखा देता हूँ मैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आईनेट रिजल्ट एंड कॉल अप लेटर फॉर AASSR अगस्त 2020 एंड MR अक्टूबर 2020 बैच विल बी अपलोडेड बाई 20 मार्च। 20 मार्च को अपलोड किया जाएगा, क्लियर है? पहले से भी ये चीज़ें थी अपडेटेड और अभी भी यही है। तो वो थोड़ा सा मामूली सा ग्लिच होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले रिजल्ट क्या होता था AASSR का, पहले उसके बाद 1-2 दिनों के बाद MR का आता था, लेकिन इस बार तीनों का साथ में ही आएगा। उसमें एडमिट कार्ड भी अपलोड करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए मे बी वो लोग चेक कर रहे होंगे कि वेबसाइट काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है, क्योंकि ये चेक करना बेहद ज़रूरी है। अगर रिजल्ट अपलोड कर दें, किसी कैंडिडेट का आ जाए, किसी का ना आए, तो वो भी दिक्कत होती है। तो इसलिए, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोगों को सबसे पहले अपडेटेड करूंगा मैं। आप लोग बस जुड़े रहिए और आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए, आना होगा, रिजल्ट तो जरूर आएगा। अगर आपने मेहनत किया होगा तो आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इस वीडियो में यही बताना था, यही क्लियर करना था। और जल्दीबाजी में ईमेल करने से, मैसेज करने से ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों के पास कैसे भी खबरें आ जाएंगी तो घबराइए मत, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब लगभग 24 घंटे का टाइम है और इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, जरूर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।